टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दरियाओं का मीठा पानी बहता खो जाता पानी, ये बहर में गुम हो जाता है, कितना जाया हो जाता है। बेटोक ये खींचा जाता है और जेर जमीन कर जाता है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। बिन मोल नहीं, अनमोल है ये। लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असर व ताकत से इसे जेरे जमीन से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी जमीन तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम सदा खारा पानी, करना है नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। चश्मे झरने नहरें दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी जहर से पाक बनाना है, साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त थॉट के साथ, जो कि हम रोज़ाना सुबह आपको बताते हैं कि पानी एक ख़जाना है और पानी को हमें बचाना है। और आज मैं आपको एक बार फिर एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ कि बर्तन किस तरह साफ़ किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा गंदे और चिकने नहीं होते। आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस तरह की दो वाटर गन्स लेनी है, एक के अंदर होगा सोप वाटर और एक के अंदर है फ्रेश वाटर। आपको नलका खोल के बेतहाशा पानी ज़ाया नहीं करना है। देखिए, कभी कभी आप छोटे बच्चों को कुछ खाने में दे रहे होते हैं, कबाब दे दिया, कोई सैंडविच दे दिया या ज़रा सा कुछ खा लिया चावलों के साथ, तो देखिए प्लेट की कुछ इस तरह की हालत होती है। तो इसको टैप खोल के बेतहाशा पानी ज़ाया नहीं करना। आपने ये सोप वाटर लेना है। आप सर देखिए, इसके जो जब आप सोप वाटर इस पर डालते हो तो देखिए ये तीन चार पफ के अंदर इसके ऊपर पूरा कितना सारा पानी जमा हो जाता है।
आपने कुछ नहीं करना, इस पानी को ड्रेन करना है, इस तरह के कपड़े से इसको साफ़ करना है। ये आपने साफ़ किया और इसके बाद आपने फ्रेश वाटर वाले पानी का इस पर स्प्रे करना है। और ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेट जो है आपकी कितनी साफ़ हो गई, ये देखिए, कोई चिकनाई, कोई दाग, कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये आपको करना है रोज़ाना, ताकि इस तरह आपका जो पानी है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा पानी मुल्क में ख़त्म होता चला जा रहा है तेज़ी के साथ, वो ख़त्म ना हो। और ये मैं बहुत अनाड़ियों की तरह मैंने टिश्यू तोड़ा है, बट कोई बात नहीं। ये देखिए हमने ज़रा सा इसको वाइप ऑफ किया और देखें पूरी प्लेट साफ़ हो गई। ये कितना ज़बरदस्त तरीका है बर्तन साफ़ करने का। ये देखिए, आपने फिर इस चीज़ को आपने गीले कचरे में फेंका और इसको आपने अपने दोबारा से किचन के अंदर रख दिया। ख़वातीन हज़रात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी बहुत तेज़ी से कम हुआ चला जा रहा है, हमें पानी को बचाना है। एक बहुत ही बड़ी नेमत, एक बहुत बड़ा ख़जाना है पानी, जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते। आप देखिए, सिर्फ रिसर्च कीजिए गूगल पे बैठ के, इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप अपने फेवरेट स्टार्स को देखते हैं उनसे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो हटाइए और आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अंदरून सिंध है और अंदरून पंजाब है, वहाँ पानी की किल्लत की वजह से क्या अजाब आया हुआ है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, और हमारी यही ड्यूटी होती है कि हम हमेशा आपको इस तरह की चीज़ें बताएं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे आज पता चली है, जो कि है कि पाकिस्तान दुनिया में जो 15 सबसे ज़्यादा गर्म जगह हैं, गर्म शहर हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कल विच हैव ऑलमोस्ट, जिन्होंने टच किया 50 डिग्रीज़ जहाँ पे कल हो गया था, उनमें पाकिस्तान के भाई 5 शहर आते हैं, जिनमें है जैकबाबाद, सिब्बी, मुल्तान, खानपुर और रोहड़ी। ये देखिए, दुनिया के 15 तरीन इलाकों में से ये हमारे पास हैं 5, और आप सोचिए इसके अंदर लोगों की क्या हालत होगी। हम रोज़ाना अपने शो में आपको बताते हैं कि गर्मी को काउंटर किस तरह करें, किस तरह आप ड्रिंक्स लें, हाइड्रेटेड रहें, छाँव में रहें, गर्म कपड़े ज़्यादा ना पहने, ज़्यादा धूप में ना निकलें, अपना टाइम मैनेज कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल लास्ट मिनट के ऊपर अपने घर से निकलते हैं, जाते हैं, और ऑफकोर्स आपको पता है 12 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत कड़ाकेदार धूप होती है, जिससे आपको बचना चाहिए, जिसमें कहते हैं ना लू लग गई या सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देयर इज़ अ ब्यूटीफुल न्यूज़ विच आई हैव टू डे विद मी, जो कि है कि जुल्फ़िकार भुट्टा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनका नाम दुनिया के 100 बेहतरीन साइंसदानों में आया है। एक बार फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ है, एक बैंग तो बनता है ये चीज़। उसके साथ साथ हमारे एक और पाकिस्तान के फिल्म मेकर हैं, जिनका नाम है साइम सादिक, उनकी फिल्म जॉयलैंड को कांस में 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म, ये चीज, पहली पाकिस्तानी फिल्म जो कि कान फिल्म फेस्टिवल में फीचर की गई है और उसको 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। आप ज़रूर जॉयलैंड के बारे में सर्च कीजिएगा ऑन द इंटरनेट। इट्स ए ग्रेट न्यूज़, आज का बड़ा ही शानदार दिन है। ब्रेक के बाद आपको अपने कुछ करीबी दोस्तों से मिलाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर शऊर और थोड़ी सी एक एंटरटेनमेंट डालेंगे। कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमारे साथ दो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, और उनके साथ साथ तशरीफ फरमाए हाजी हनीफ तैयब साहब, जो कि सरबराह हैं रोटरी इंटरनेशनल पोलियो स्कॉलर्स कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ शो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पोलियो किन वजूहात की बिना पे हमारे मुल्क में मौजूद है और क्यों नहीं जा पा रहा? पोलियो के बेदखल करने की जो कोशिशें चल रही हैं जी, उसमें हम खुद हकीकत में एक लिहाज से कमज़ोरियां दिखाते हैं। कमज़ोरियां यूँ हैं कि जब तक हम उनको घरौंदा या घर देंगे, तब तक वो पलता पोसता रहेगा और फैलता जाएगा और हमारे बच्चों को माजूर करता रहेगा। वो जगह ख़त्म कैसे की जाए? वो जगह ख़त्म की जाती है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन से, दिफाई निज़ाम को मजबूत करने से, और वो होती है वैक्सीनेशन से या कतरे पिलाने से, और साथ में
एसेंशियल वैक्सीनेशन करने से। तो कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है और हर बच्चे को पिलाना है। आज बच्चा पैदा हुआ उसको कतरे शुरू कर देते हैं और बार बार देने से उनका दिफाई निज़ाम मजबूत होता जाता है, ताकि अगर चोर आ भी जाए मोहल्ले में तो वो उनको नुकसान न पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो पोलियो के खिलाफ कामयाबी की शरह है वो कितनी है इन पाकिस्तान? कामयाबी की शरह तो ये है कि अगर आपके पास एक भी केस है तो आप नाकामयाब नाकामयाब है। बिल्कुल, अभी हमारे पास तीन केसेस आए हैं। खुशी की बात एक लिहाज से यूँ है कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे है और एनवायरमेंटल सैंपल्स भी वहीं पे पॉजिटिव हैं, बाकी पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और यूँ देखें कि ये एक बहुत क्यों है, क्योंकि जो एक केस अपाहिज हो गया है बच्चा, उसके गर्दो नवाह में 99 केस और हैं जो अपाहिज नहीं हुए। यानी ये बीमारी हर एक को अपाहिज नहीं करती। अच्छा, उसमें आपको नज़ला खांसी और ज़ुकाम की तरह बात होती है, बदन में दर्द होता है, बुखार भी हो सकता है और हल्के से दस्त हो गए, मगर इन छोटी सी निशानियों के अंदर भी पोलियो छुपा हुआ होता है। मगर उनमें से एक पकड़ लेता है और पकड़ता है तो इस तरह पकड़ता है कि वो फिर लाइलाज है। वो खुलिए जिनको नर्व्स कहते हैं, उनके जो खुलिए रीढ़ की हड्डी में पड़े होते हैं, उनको जाकर वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है, जैसे ब्लास्ट करता है। तो हम मैं उसको दहशतगर्द बोलता हूँ कि ये दहशतगर्द है जो बच्चों के नर्व्स के जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर जाकर ब्लास्ट करता है और फिर वो रिपेयर नहीं होते, वो गया सो गया। तो उम्र भर की है और बच्चे इसमें ना सिर्फ अपाहिज हो सकते हैं बल्कि उनके अगर ऊपर के हिस्से में असरअंदाज हो जाएं तो दौरे पड़ सकते हैं और मफेट ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं और अब मौत भी हो सकती है। तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। अच्छा। और ये बड़ी मुझे मारे था, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम तरबियत में थे तो सिविल अस्पताल और जहाँ पे हमारे पास वार्ड में पोलियो के बदकिस्मती से काफ़ी केसेस रहते थे वक्ता फ़वक्ता, ओ पी डीज में आते थे ताकि उनके उनकी कुछ इलाज हो सके। मगर अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए, और मिल जाता है बदकिस्मती से, नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये एक कुंबा, ये एक फैमिली, एक बच्चा फिर एक फैमिली फिर एक कुंबा फिर वो कम्युनिटी और पूरा इलाका, उसके ऊपर ये बच्चा बहुत बड़ा बोझ है, उठाना भी पड़ेगा और उसका असर भी होता है हमारे मुल्क की इकॉनमी और बाकी बोगस। अच्छा खवातीन, हमारी स्क्रीन पे आप इस वक्त पोलियो की जो हेल्पलाइन है उसका नंबर चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवालात हैं, कोई भी ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा हो, आप इस नंबर पे कॉल करके वो जवाब हासिल कर सकते हैं। हाजी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, पोलियो की जो वैक्सीन है या जो उसके कतरे होते हैं उसका मजहबी तनाज़ुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। मैं दिल की अथाह गहराइयों को आपको इस उनवान पर प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले केसेस हज़ारों में होते थे और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया कि एक भी नहीं होना चाहिए। पूरा एक साल गुजरा आखिरी जिसमें एक केस भी नहीं था। हमारी बदकिस्मती अब तीन केस हो गए हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर के भी तीन केस हो गए हैं अफ़गानिस्तान साइड पर, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और पाकिस्तान ने इस हद तक तो ज़रूर कामयाबी हासिल की, पूरी दुनिया ने कामयाबी हासिल की कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अलावा टोटली इरेडिकेट हो चुका है पोलियो। अब हम दो मुल्क अलग बैठ जाते हैं, बाकी सारे मुल्क अलग बैठते हैं तो हमारी शर्मिंदगी होती है। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस की मुहिम चलाई जाए। दहशतगर्द हर शोबे में हमारे सफ़ों के अंदर हैं, ये एक दहशतगर्द नहीं है और इसके लिए बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं। इस दहशतगर्द को मारने के लिए जो टीम बनाई गई है पाकिस्तान की, उसका सरबरा इस फ़कीर को बनाया गया है। और इसके बाद जहाँ जहाँ ये ज़रा ज़्यादा होते हैं, जैसे पेशावर में, मानसेरा में, मानकी शरीफ में और नौशहरा में, इन सब जगहों पर इसके खात्मे की अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंस जब भी हुई तो उसमें जाकर की नोट एड्रेस देने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। ऐसे क्वेटा और इसके किला अब्दुल्ला और ये सब इलाके हैं,
फिर इसके बाद अवेयरनेस तो इन इलाकों से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान सब जगह से जाती है। असल बात सिर्फ ये कि कुछ लोगों ने इस ख़्याल से कि इस वैक्सीन में कुछ हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, मसलन ये कि औलाद पैदा करने के निज़ाम को ये ख़त्म कर देता है, दैट्स रॉन्ग, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें और बहुत सारी नुकसानदेह बातें मुसलमान को, हालांकि ये पोलियो के वैक्सीन 57-58 इस्लामी मुल्कों में से 56-55 ने पिला के पोलियो ख़त्म कर लिया है, तो वही वैक्सीन है जो यहाँ पिलाई जा रही है, और इस बात को आवाम तक पहुँचाने के लिए जी। हाजी साहब, इससे पहले कि आप कोई और बात करें, एक वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल मेमन साहब और हाजी हनीफ तैयब साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हाजी साहब हमें कुछ बता रहे थे, हाजी साहब प्लीज़ कंटिन्यू। मैं बता रहा था कि जब इस किस्म की बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई गईं जी, फतावे भी जारी किए गए इसके खिलाफ, तो फिर 5-6 जून 2013 को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उसमें इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है वो मंजूर किया गया। इसमें 20 के करीब साइंटिस्टों के अलावा, डॉक्टर्स के अलावा 20 के करीब जय्यद उलमा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जमा हुए, और उन सब ने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर साइन किया और ये कहा कि इसमें कोई भी इसमें नुकसानदेह जुज शामिल नहीं है, और आप ज़रूर पिलाएँ, जुमे में ऐलान करें, जहाँ आपका जलसा उसकी हिमायत में ऐलान करें। और इसके बाद से ज़रा खौफ दूर हुआ, 13 में हमारे पास केसेस ज़्यादा थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें भी काम कर रही हैं, रोटरी बहुत बड़ा काम कर रही है, WHO यूनिसेफ तआवुन कर रही है, लेकिन फिर भी जब तक मकामी ज़बान में आप लोगों को न समझाएँ, मैं पहले कहता था कि एक वक्त आएगा कि आप सऊदी अरब में हज और उम्रे पर या तो जा नहीं सकेंगे, या लाइन में खड़े होकर ये दो ड्रॉप जिसको हराम हराम कर रहे हो वहाँ पीने पड़ेंगे। अब चंद सालों से वहाँ लाइन लगती है, जो आदमी यहाँ कुछ भी बोलता हो वह लाइन में खड़ा होता है चुपचाप और अदब से पी लेता है। अब ये चीज़ें, ये ठीक है, शुक्र है कि पूरा एक साल तो पिछला बचा रहा, अब ये 3 केस हमारी तरफ, और तकलीफ से बात यह बराबर में ही उसी जगह पर तकरीबन बॉर्डर क्रॉस करते ही केसेस हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, और ये सिर्फ आपकी, डॉक्टर इकबाल साहब की या हनीफ तैयब की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई थिंक सबकी सोचना ये चाहिए कि एक बच्चा सेहतमंद आपके पास चलते आ रहा है, अचानक गिर गया, पता चला पोलियो ज़दा हो गया, माजूर हुआ, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये कोई काबिल इलाज मर्ज नहीं है, पूरी ज़िंदगी इसकी इस तरह से गुजरेगी। इसलिए बहुत आपने ये करम फरमाया। पहले टॉपिक पर जो बात करें तो मैं सिर्फ एक जुमला कि इस्लाम तो वुजू में भी जायद पानी खर्च करने को जायज़ करार नहीं देता जी, बिल्कुल। उसमें भी नल को हमको बहुत कम खोलना चाहिए, तो हम तो पानी के साथ जो सलूक कर रहे हैं, और पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो आती है ला तादाद, और वो दरिया में चली जाती है, स्टोर करने का, झील बनाने का, डैम बनाने का हम कोई काम नहीं करते। हम लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में एक दूसरे की पगड़ी उछालने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए, और जो भी हाईएस्ट लेवल की बदतमीजी हम कर सके वो कर रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मसला पब्लिक का है, पब्लिक परेशान है, उनकी उन पर मदद करें, उन पर रहम करें। और सिर्फ उलमा ही नहीं थे, मैं रिपीट करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि साइंटिस्ट भी पाकिस्तान के थे जी, पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी थे,
पाकिस्तान के जितने भी बड़े ऐसे लोग हैं जो वोकल सेक्शन में मौसर हो सकते हैं, जिनके कहने का असर है, देवर ऑल्सो प्रेजेंट देर। और जो डिक्लेरेशन साइन हुआ दैट वॉज इन इंग्लिश, और वहाँ सहाफ़ी जो हजरात थे वो पाकिस्तानी भी थे और अंग्रेज़ भी थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई विल नरेट दिस ऑल इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, सो दैट इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन फ्राम देम आई कैन आंसर। तो अब एक पर आ गए हैं, अल्लाह से भी भीख मांगनी चाहिए कि या अल्लाह इससे हमें निजात अता फरमा। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, ये मुतवासत तबके में ज़्यादा क्यों पाया जाता है पोलियो का मर्ज? देखिए, मुतवाजन तबके में इसलिए है कि वहाँ पे बलाग आमा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, वो कम हैं। पानी की कमी होगी, सहूलियात की कमी होगी, और आगाही की कमी है। आगाही आगाही के साथ जज्बात की कमी है। वो जागते नहीं हैं तो सोते सोते नींद में ज़रा हरकतें हो जाती हैं, सुस्ती हो जाती है, और बच्चों को हम टीके के लिए ले जाते नहीं। जैसे हाजी साहब ने कहा ना कि इन कतरों के अंदर बड़े शको शुबात हैं। अभी मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये कतरे आजकल जो आ रहे हैं वो इंडोनेशिया में बन के आ रहे हैं। इंडोनेशिया में ये इंडोनेशियन ओरिजिन आ रहे हैं। पहले हमारे पास फ्रांस से आते थे, यूनिसेफ खरीदता है, मगर अब जो बनते हैं वो इंडोनेशिया में होते हैं। और वहाँ पे मैं खुद जा चुका हूँ, एंड सब मुसलमान कंट्री है, आपको पता है। और जो अपना बच्चों की पैदाइश में कमी आएगी तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि देखो, 1994 से ले कर हम पूरे ये इतने सारे राउंड्स कर रहे हैं जी, कतरों पे कतरे फैला रहे हैं, और मेरे ख्याल से 1994 से ले कर आज तक पॉपुलेशन डबल की ट्रिपल हो गई, ये कम नहीं हुई है। तो आप मुझे बताइए कि ये कतरों ने क्या किया? बिल्कुल सही, हाँ, कम तो नहीं किया ना, पक्की बात है, तीन गुना हो गए। तो ये एक मतलब सोचने की बात है कि अगर हम खदशात में पड़े रहेंगे तो नतीजा है हमारा ही नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है, और हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अभी भी लोग बस कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई, एहतियात सबसे बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल, इसके लिए आपके दीन ने कहा है कि एहतियात बरतो। हमारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बांग्लादेश का है जी। वो पोलियो के इन कतरों के ज़रिए से पोलियो से पाक हो चुका है। तो कहाँ पॉपुलेशन में कोई कमी इस बुनियाद पर आ रही है? तो ये झूठ बोलने वालों को भी खुदा से खौफ खाना चाहिए, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी पोलियो से बिल्कुल पाक कर दे पाकिस्तान। आमीन। और इसी दुआ के साथ मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हमारी ऑडियंस को आज आगाही दी। खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जितने भी लोगों से मिले उन्हें ये आगाही आप भी दें, या आपका भी फ़र्ज़ है लोगों को बताना कि पोलियो एक मर्ज़ है, और कतरे पे पीने बच्चों को पिलाने से या उनको वैक्सीनेट कराने से इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और आज की एक शानदार सुबह। और अब हम आपको मिलवाएंगे हमारी एक बड़ी करीबी दोस्त से, जो कि आपको आज बनाना सिखाएंगी कॉलेजन ड्रिंक, जिससे आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, चेहरा हमेशा जगमगाता और बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं, जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया, खूबसूरती की बात करते हैं तो इनका नाम सर फहरिस्त आता है, हिना अनीस। क्या बात है हिना, आपके साथ एक ही फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी का पोस्टर शूट हो रहा है ना। लेट्स डू बैक टू बैक लाइक दिस। ये चीज यही चाहिए था, बस 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 हो गया काम, हो गया है ना। कमिंग बैक टू द शो, टाइम कम है, बताइए आज हम बना रहे हैं कॉलेजन बूस्टर ड्रिंक। अच्छा, ये भी तो एक थेरेपी है, खुश होना, खुश रखना एक थेरेपी है। कितनी अच्छी बात। और ये एंटी एजिंग थेरेपी है, इससे आपकी रिंकल्स नहीं आती हैं, आप बिना वजह के टेंट्रम्स भी नहीं रहते। फायदा ही क्या है लोगों को परेशान करके, तंग करके, और मूड ऑफ रखने का। एक चीज है ना, आप अग्री करेंगे, मैंने एक चीज देखी, जितने भी ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, आप भी कभी कहीं जाते होंगे, आप देखते होंगे कि कोई
बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं या कोई डॉक्टर बहुत बड़े गुजर रहे हैं, कोई भाई क्लासिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन कभी भी कोई बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान आप देखते हैं, उनका मूड क्यों ऑफ होता है? उनको कामयाबी हजम नहीं हो रही होती। मैंने देखा है जितने भी कामयाब लोग होते हैं भाई, जब आप एक दफा कामयाब हो गए तो मूड अच्छा रखे, सब कुछ तो मिल गया आपको, लेकिन मैं देखता हूँ कामयाब होने के बाद लोगों का मूड ऑफ होता है, गुस्से में बात करते हैं, बल्कि मैं असर एक बात यहाँ पे शेयर करती हूँ कि जब आप जितने कामयाब होते जा रहे होते हैं, जितना आप लर्न करते जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है ना, आपको वो चीज़ें उतनी शेयर करनी है, खुशियाँ भी तो ज्यादा मिल रही है ना, तो वो भी शेयर करनी है 100%, ये सबसे ज्यादा शेयर, और जितना आप शेयर करते हैं उतना डबल होता है, यानी अगर आज आप कॉलेजन बूस्टर शेयर करेंगी तो कल डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मेरे साथ तो डबल होता है भाई, नो वंडर, आई एग्री 100%। चले स्टार्ट करते हैं, चले करते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ 5 इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, सबसे इसका मेन इन्ग्रीडियंट है पपाया, बड़ा ही अंडर रेटेड फ्रूट है, इसको कोई नहीं पसंद करता, इसका नाम आते ही लोग कहते अच्छा छोड़ो खाने के बाद खाएंगे। इसका एक ही मिथ है कि शायद इसको खाने के बाद एक डाइजेस्टिव एड के लिए खाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी अपनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि मैं पपाया पे पूरा एक शो कर सकती हूँ आराम से। वो ब्यूटी के लिए बेस्ट है, इट्स गुड फॉर योर स्किन, हेयर, आपके नेल्स के लिए, आप खाएं भी और लगाएं भी, पपाया तो ये है। अच्छा, और जितना खाएं उतना अच्छा है। क्या बात, आज से मक्खन लगाना बंद, पपीता लगाना शुरू। और खाने से पहले खाना चाहिए पपीता। अच्छा। खाने के बाद कोई भी फल नहीं खाना चाहिए, फलों का टाइम है, खाना खाने से पहले, खाने के बाद नहीं। अच्छा हाँ, वैसे यूजुअली हम लोग कहते हैं ना, अरे खाना खा ली, चलो कुछ फल वगैरह ले, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। देखिए, फलों का डाइजेस्टिव टाइम है 3 से 4 घंटे, खाने का जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेस्टिव टाइम है 7 से 8 घंटे, ये रॉटन हो जाएंगी यानी पेट में सड़ेगी, 7 से 8 घंटा, 1 घंटा एक खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ऊपर से फल आ गया तो वो तो सड़ने शुरू हो गया अंदर, फिर क्या होगा, तबाही। इसीलिए तो कौम तबाह हो रही है हमारी। खाना सेहत तबाह हो रही है, बिल्कुल सही बात है, खाने को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिल्कुल। तो हम बनाते हैं, इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप पपाया, ठीक है, आधा टमाटर सीडलेस कर लिया हमने इसको, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, 1 टीस्पून जाएगा सीबक थॉर्न पाउडर। सीबक थॉर्न एक ऐसी बेरी होती है, हर जगह मिलती है, हमारे पाकिस्तान में भी मिलती है, पंसार के पास ऑनलाइन इसका पाउडर मिलता है, एडिबल होता है, खाने के काबिल होता है, वो जाएगा। अकाबेरी होती है, अकाबेरी भी एक किस्म की बेरी होती है, ऑनलाइन पंसार के पास इसका भी पाउडर मिलता है, अच्छे ऑर्गेनिक सुपर स्टोर पे इसका पाउडर मिलता है, हम भी देते हैं तो इसका पाउडर्स हर जगह मिलता है, मेरे भी क्लिनिक पे इसका पाउडर्स अवेलेबल हैं। तो आप ये मंगवाएं, ये सुपर हेल्दी फूड है, तो ये आपके कोलाजन को आपके अंदर से बिल्ड करने शुरू करेगा अंडरनीथ योर स्किन। तो हम बनाते हैं इसको, ठीक है, सबसे पहले हमने लिया पपाया डाल, थोड़ा सा ये अच्छा दिखने मेरे घर में है इसका दरख्त, है बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनिक पपीता, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, घरों में होम गार्डनिंग करनी चाहिए ना, इससे इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो आप केमिकल्स से बच जाते हैं और आप तमाम यूज़फुल चीज़ें रोज़ ताज़ी ताज़ी ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून ही है। अच्छा, अब ये 1-1 टीस्पून डलेगा, ये है सीबक, सीबक थॉर्न पाउडर, सीबक थॉर्न पाउडर, ठीक है, सीबक थॉर्न पाउडर, आपकी बेरी पाउडर, एकाबेरी, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि ये डिसॉल्व अच्छा हो जाए, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और डाल देते हैं पानी ना, डिसॉल्व अच्छा हो जाए ना, ब्लेंड अच्छा हो जाए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आइस भी डाल सकते हैं, फिर मजे का बनेगा, बहुत मजे का बनेगा। अच्छा, अब वो लोग जो पपाया नहीं खाते वो भी पिएंगे पपाया, लेकिन आपने लास्ट टाइम लौकी का प्री ब्रेकफास्ट जूस बनाया था, अमेजिंग, फुल ऑफ फाइबर, वो बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और वो अगर जूस 15 डेज भी डायबिटीज के पेशेंट पीने स्टार्ट कर देना तो बिलीव मी और नॉट, उनकी जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो थोड़ा ग्रेनी सा, ग्रेनी, ये अगेन
ये जितने भी जूसेस हैं ये सब इतने फुल होते हैं कि आपकी जो आपकी भूख है वो भी एक वक्त के लिए कुछ कम हो जाती है। दो घंटे के लिए आप खाना कम खाएंगे, तो अगर आप कम खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ज़्यादा जिएंगे। कम खाओ ज़्यादा जियो कहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, लोग कहते हैं खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, मैं कहती हूँ कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे। बिल्कुल सही बात है, कम खाओ ज्यादा जियो तो ज्यादा जियेंगे, कैसे कदीम से हम सुनते हुए यार। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे रमजान आते हैं, हम रोजे रखते हैं तो हम फास्ट करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है, उससे हमारे बहुत सारे सेल टर्नओवर होते हैं अंदर, तो इसी तरह। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा फायदे ये हैं, ये हाई इन विटामिन सी है, ये आपकी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके जो नाखून वगैरह टूट रहे होते हैं ना, जब कॉलेजन हमारी बॉडी में नेचुरली बिल्डअप हो रहा होता है तो ये सारी चीजें रिपेयर खुद होने शुरू हो जाती है। okay, अच्छा मुझे बताइए, ये हमें ब्रेकफास्ट से पहले पीना चाहिए? देखिए ये कभी भी पी सकते हैं, इसका बेस्ट टाइम है वो इवनिंग टाइम है और ब्रेकफास्ट टाइम है। ये ब्रेकफास्ट से पहले ना पिए बेशक, आप इसको इवनिंग में भी पी सकते हैं और ब्रेकफास्ट के वक्त भी पी सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी देखा कोई मीठी चीज ऐड नहीं है। अगर कुछ जिस तरह काफी लोग होते हैं जो कि मीठे के बगैर चीज हजम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे हलक से नहीं उतरती, तो क्या एप्पल ऐड कर सकते हैं या कोई कौन सा फ्रूट? देखिए वो कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉबेरीज आर द गुड ऑप्शन, के अगर इसमें और टेस्ट देना हो तो आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसको टेस्ट करें, ये बहुत अच्छा है। सीबक थॉर्न का जो टेस्ट होता है इटसेल्फ वो हल्का सा खट्टा होता है, पपाया का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ जो आकी बेरी का भी टेस्ट होता है ना, वो अगर मैं आपको कहूँ कि वो फालसे का टेस्ट होता है, तो इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा है, ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं किसी को कि इसमें कोई और फ्रूट डालें, और अगर डालना है यू कैन ऐड 2-3 स्ट्रॉबेरीज इन इट। एक्सेलेंट, लवली, थैंक यू सो मच हैना, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आप हमेशा एक कोई शानदार नई चीज़ हमें सिखाती हैं, और आज हैना ने हमें सिखाया है कोलेजन बूस्टर ड्रिंक। जल्दी से रेसिपी बताएं। बहुत आसान रेसिपी है, एक कप पपाया है, आधा टमाटर है, एक टेबल स्पून इसमें है तिल, सफ़ेद तिल, एक टीस्पून है सिबकथॉर्न पाउडर, एक टीस्पून है आकीबेरी पाउडर। इन सबको आधे ग्लास पानी के साथ ब्लेंड करें और किसी भी वक्त पिए, नाश्ते या शाम के वक्त, और अपने चेहरे को तरोताज़ा फुल ऑफ कॉलेजन रखें। थैंक यू हैना, लवली हैविंग यू ऑन द शो। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मैं जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आपके दिल की धड़कन। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम बशीर जब भी आते हैं, एक बात मैं बताता चलूँ, बेतहाशा एनर्जी के साथ आते हैं। नीचे जब जान की गाड़ी पार्क होती है वहाँ से इनके आते ही पता चल जाता है कि जी माशाल्लाह डॉक्टर खुर्रम आ गए। वो तो आदिल भाई बताएंगे बेचारे, वो झेलते हैं मुझे, मगर ये होता है कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है जी, और उस पर आपके शो का एक बड़ा एक ऑरा है और बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। मतलब ये नहीं होता कि मतलब मैं बहुत सारे चैनल्स, अब तो बहुत इंप्रूवमेंट आया है, पहले हम लोग अक्सर शोज करते थे 18 लोगों की लाइन खड़ी है, उसमें हकीम भी हैं, उसमें मतलब टोटके भी हैं और डॉक्टर बेचारा, मेकअप भी है, डॉक्टर बेचारा, तो लोग समझते डॉक्टर भी वहीं से कहीं। फिर उसके बाद क्लिनिक आके मुझे पूछे थे आप डॉक्टर ही हैं ना? अच्छा, मुझे कुछ थ्रेडिंग, कोई मुझसे थ्रेडिंग कराने आ जाते थे, कोई वैक्सिंग के लिए आ रहा है, कोई माजून के लिए आ रहा है, तो मैंने कहा देखिए ये अस्पताल में जब आप आते हैं तो डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं टीवी पे भी तो आप सब साथ होते। वैसे कितने पते की बात आपने की, डॉक्टर साहब को मजा तो आता है ना मॉर्निंग स्टार में? बहुत ज्यादा, मैं समझे इंतजार कर रहा था वेंसडे का। अरे वाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी आज जो आप करने लगे उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। बहुत सारे कॉलर्स है डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं बेतहाशा सन बर्न हो रहा है, जरा सा भी गाड़ी में जाते हैं तो हाथ एकदम से जल जाते हैं, कभी कभी चेहरे पे रैशेज आ जाते हैं, रैशेज फ्लेकी नजर आ जाती है। जल्दी से डॉक्टर साहब, अच्छा देखिए बहुत सिंपल सा, एक तो हाइड्रेटेड होना बड़ा जरूरी है। आप तीन चीजें आपके घर में भी अवेलेबल होंगी, एलोवेरा जेल, ठीक है, रोज वाटर, अर्के गुलाब यानी कि, और ग्लिसरीन, तीनों को आपने ब्लेंड किया, हिंट बिल्कुल चुटकी आपने डाली हल्दी। अच्छा ये कभी अपने जहन से निकाल दें कि जी हल्दी गर्म होगी, आप खाते कहें हल्दी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहां कभी बर्फ कराची में तो आज तक गिरी नहीं, ठीक है, तो वहां यहां पे तो आप हिंट टर्मरिक, एलोवेरा जेल, रोज वाटर और ग्लिसरीन मिक्स किया और पूरे चेहरे पे आपने रात को लगा के सो गया। अच्छा, सो गए, ठीक है, सो ही गए, और सुबह को आपने क्या किया, क्लियर वाटर से इसको फेस वॉश कर लिया, बस
अब वो 24 आवर्स आपको इफेक्ट रहेगा, उसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकती हैं खवातीन, ठीक है, उसको लगा के आप किचन भी जा सकते, कोई आप चीज़ लगा के, आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सनस्क्रीन आजकल लगाते हैं लोग, अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप कोई हॉकी प्लेयर हैं, वो एक अलग बात है, मगर एक हाउसवाइफ है, एक ऑफिस में जा रही हैं 10 मिनट के लिए कार ड्राइव की, तो वो आप अगर सनस्क्रीन लगाते हैं SPF 30 से लेकर 100 तक, तो पूरी आपके पोर्स को क्लॉक करता है, ठीक है, आपकी स्वेटिंग बहुत होती है और आपकी जो रिंकल्स हैं वो प्रोनाउंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं करना, दो नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमारी एक और कॉलर है उनकी, ये उन्होंने हम एक सवाल आपके लिए भेजा, ये था कि डॉक्टर साहब जो बाल हैं वो कहते उनका ये मानना है कि बाल सिर्फ पतझड़ के मौसम में गिरते हैं, तो गर्मियों में इतने गुच्छे के गुच्छे क्यों गिर रहे हैं, वो अभी जस्ट गॉट डन विद प्रेगनेंसी। अच्छा देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई तो बैठा हुआ गूगल कर रहा होता है, इलाज भी उसी से हो रहा है और उसी से एटम बॉम्ब भी बन रहा है, मैं तो अब्दुल कदीर खान साहब को सोचता हूँ, शायद उन्होंने गूगल करके ही बनाया होगा, ठीक है, मगर देखिए अब इसको गूगल ज़रूर कर लें कि हम रोज़ाना कितने बाल शेड करते हैं, 50 से 100 एवरी डे गिरना लाजमी है। अच्छा मैं अब रोज़ाना क्लिनिक, लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़के आते हैं कि जी मेरे मैंने गिने, मैं तो थैली में लाया हूँ, 70 बाल गिरे। अच्छा जी, अच्छा मैंने कहा जी सबके गिरते हैं 50 से 100, मेरा दोस्त है उसके तो नहीं गिरते। अरे भाई मैंने कहा आप उसकी भी गिनना शुरू करें तो 70 तो 65 तो होंगे ना, तो ये 50 से 100 बाल एवरी डे आपके गिरते हैं वो अपना नेचुरल है, और कभी 150 भी हो सकते हैं। अच्छा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, या कोई बीमारी या टाइफॉइड हो जाए आपको, या जॉन्डस हो जाए, या निमोनिया, तो और शेडिंग बढ़ जाती है, वीकनेस, तो आप विटामिन खाया करें। अच्छा विटामिन फिर असर आपकी बातों से और निकलती जाती है, विटामिन से आप मोटे नहीं होते, दूध से आप मोटे नहीं होते, वाइटैलिटी आती है। अच्छा आप क्या करें जी, बिरयानियाँ ये सब चीज़ें भी खाएं, एक सर्टेन अमाउंट मिकदार, मगर विटामिन से आप कभी मोटे नहीं होते, विटामिन का मतलब है वाइटैलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है वो होता है एक्नी का, एक्नी, वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ गर्मियों में हमें दाने निकलते, डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में एक्नी प्रोन हो जाते हैं, आज हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी एक्नी का कर रहे हैं और सर बड़ी अच्छी बात हो गई, एक्नी को एक्नी भी कहते हैं, एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, वल्गैरिस नहीं कहते, ठीक है। अच्छा वल्गैरिस ही एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक, ठीक है, इसको कील मुहासे भी कहते हैं। डॉक्टर साहब वल्गैरिस का ताल्लुक वल्गैरिटी से? वल्गैरिटी नहीं, ये एक लैटिन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब कॉमन, यानी आम सी चीज है, ठीक है, कील मुहासे, ठीक है, कहते हैं ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, कॉमेडोन्स, एक्नी, एक्नी वल्गैरिस, सारा एक ही नाम, एक्नी कॉन्ग्लोबेटा, ये भी ऐसी का है। अच्छा अब कल एक खातून हम बेटी को लेकर आए, एक केओटिक कंडीशन, उसके एक्नी थी, ये देखिए मंकी पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स, अरे एक तो पता नहीं गूगल, मतलब भाई मैंने कहा मंकी पॉक्स क्या होता है, वो आजकल आ रहा है, कल ही मैंने यूट्यूब पर पूरी इसकी वीडियो देखी है, तो मैंने कहा क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स इसी तरह के दाने थे, तो मैंने कहा अच्छा उसी किसी एक और के वॉट्स थे, मैंने कहा जी वॉट्स हैं ये, वॉट क्या मतलब, मैंने कहा जी वॉट्स मतलब मस्से होते हैं ना, मतलब ये तो एक्नी, आपने एक को तो अभी सामने बैठी थी उनको एक्नी का, देखिए मिलते जुलते होते हैं, उनको चेक करना पड़ता है, अब किसी के कॉमेडोन्स हैं, नोड्यूल्स हैं, तो आप खुद डायग्नोस ना करें, कभी उस पर बैठी हुई पान के डंडे पे आप चूना लगा के ना इस्तेमाल करें, मस्से को घोड़े के बाल से ना निकालें, नेल कटर से हस्बैंड के मस्से ना काटें, ठीक है, ये तमाम चीजें ना करें और गूगल से इलाज ना करें, तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे हमारी मॉडल मौजूद है, आइए आइए जी, बिल्कुल अच्छा बताइए, उनके देखिए उनका बहुत अच्छा फेस है, मगर डेफिनेटली एक सर्टेन एज में ये बड़ा कॉमन होती है, उसको मैं करूँगा उसके जो हल्के से पोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, 2-3 टोन में स्किन है, और साथ में जो करेंगे ये थोड़ा सा देखिए, जब ये एरिया होता है लड़कियां थ्रेडिंग करें या वैक्स करें थोड़ी स्वेटिंग भी आती है, ठीक है, ये कैंडिडाइसिस, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है, उसको भी कवर करेगा, और साथ में जो आपके लिप्स है उनको भी, ये मैं पूरा एक थेरेपी करूंगा जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके अंदर होगी ऑरेंज पील, ठीक है, बीज वैक्स यानी शहद की मक्खियों के छत्ते का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी, अब उसको कोई सिलेंडर नहीं लगाएंगे, जो चीज़ें ऐसी लगाएंगे जिससे उसका जो ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की, और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं एक जेल लगाऊंगा मल्टीपर्पज सेल्यू स्लिम जेल, अब ये नहीं कि वो मोटी है बिल्कुल भी नहीं, वो कंटोरिंग के लिए होगी कि उसका जो चीक बोन्स थोड़ी जरा ज्यादा हो, या लड़की, हाँ okay. और लड़कियां बहुत अच्छी छोटी सी एज में क्या करती हैं, वो बैठी हुई चेहरा पतला है टीवी या गूगल पे लैपटॉप पे यूं करके बैठती हैं, तो उनकी डबल चिन बहुत बाहर आ जाती है, तो जब मैं उसकी पूरे चेहरे की थेरेपी करूंगा बहुत माइल्ड से आपको चीजें बताते जाऊंगा, उससे क्या होगा, एक तो एक यूनिटोन स्किन होगी, एक्नी मार्क्स जाएंगे, डार्क सर्कल्स, अच्छा 2-3 टोन की स्किन,
कैंडिडाइसिस और जो आपके लिप पे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए हमारी मॉडल क्या करेंगे, देखिए ये है बीज वैक्स एक्सट्रैक्ट, ठीक है, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, ये बड़ा प्योर ऑर्गेनिक लिप बाम है। आप क्या करें, अपने लेके होंठों पे अच्छी तरह मर्ज करें इसको ना, खूब अच्छी क्वांटिटी में लें, हाँ थोप लें, थोप थोप के लगाएं, हाँ आई थिंक थोप थोप, हाँ जो लड़कियां होती हैं ना क्या करती हैं, एक तो बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, ठीक है, बहुत इकट्ठा ले लेती हैं, उनकी डेट गुजर जाती है, थर्ड क्या करते हैं, एक लिप लिकिंग की आदत होती है बच्चों की ना, बैठे हुए बाइटिंग, तो वो अच्छा। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, नौरीन है कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। कैसे, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम बशीर मौजूद है, क्या बात करना चाहेंगी? जी जी डॉक्टर खुर्रम बशीर से ही मशवरा करना था कि एजिंग की प्रॉब्लम होती है तो स्किन टाइट करने के लिए कुछ बताएं, और लास्ट टाइम उन्होंने कोई टैबलेट कहा था, मैं आपको सेंड करूंगा मल्टी विटामिन सी के पास, कुछ उन्होंने बोली मेरे ख्याल है वो थी पिक वाइट थी शायद, है ना? जी जी, जी, जी। मैं आज ही T1 में रखवाऊंगा और आपकी अमानत आप कलेक्ट कर लें या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल नौरीन, आप अपना एड्रेस हमें हमारे MCR में लिखवा दीजिए, हम आपको कोरियर करवा देंगे। मुझे प्लीज मेरा मतलब स्किन टाइटनिंग का है, एजिंग का, तो बताएं प्लीज कुछ। मैं बिल्कुल बताता हूँ नौरीन, वैसे लड़कियों से पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी क्या एज है? 30 प्लस है, एजिंग उनकी थोड़ी ज्यादा। बिल्कुल सही है, ठीक है नौरीन, आप हमारा शो देखती रहिए, हम आपको ऑन एयर इसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा 30 प्लस के बाद क्यों एजिंग? देखिए केयर तो करनी चाहिए, एजिंग क्यों शुरू हो जाती है? देखिए नहीं पता, बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए एजिंग तो रोज हो रही है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लड़कियां, उन्होंने बहुत सही टाइम पे फोन किया कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा उनकी प्रॉब्लम हो जाए कि उनको बहुत ज्यादा बोटॉक्स या फिलर्स करना पड़े, तो उसे बचेंगे। अच्छा पहले तो नौरीन आपके लिए ये चीजें नोट डाउन कर लें, MCR में अभी आप नंबर भी दे दें, आपके घर पे भेजेंगे, ठीक है? आज जो मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, देखिए पहला तो आपको भेजूंगा मैं नेचुरल स्क्रब, ठीक है, ये खुल जाए। डॉक्टर साहब मदद करो आपकी जी, अच्छा खुल गया, हाँ देखिए। अच्छा ये क्या है, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसके अंदर चने का आटा है, इसके अंदर बार्ली है, ठीक है, जौ जिसको कहते हैं, साथ में इसके बहुत सारी क्वांटिटी में बेसन है और पर्ल्स है, ठीक है। अच्छा ये मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा, इससे आप स्क्रब किया करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा सा गोट्स मिल्क मिला लें, ठीक है, और अगर बहुत ड्राइड है तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लिसरीन और अर्के गुलाब मिला के उससे स्क्रब बना के उसको सफाई करेंगी। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मैं आपको गोट्स मिल्क की क्रीम भेजूंगा, उसके साथ होगी एक जस्ट ग्लो क्रीम जिसके अंदर होता है अल्फा आर्बिटन, वो बड़ा ज़बरदस्त सा लेटेस्ट सॉल्ट है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन पहले देते थे या फिर विटामिन ए डेरिवेटिव लोग खाती भी थी लड़कियां एक्ने के लिए, तो उससे क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी में बड़ा मसला होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बढ़ते हैं, तो ये आपको बड़ा हिंडर नहीं करेगा, वो थर्ड दूंगा। और थर्ड चीज़ है पिक वाइट और ईव ग्लो साथ में, ठीक है, ईव ग्लो से क्या होगा, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA एंटी एजिंग है, और पिक वाइट में क्या है, फ्रेंच मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट, तो उससे आपका रंग भी बड़ा पिंकिश ग्लो, पिंकिश वाइट हो जाएगा। और डॉक्टर साहब जो आप थेरेपी बता रहे हैं, कोई भी कम्प्लेक्शन, कोई भी एज, एक्नी प्रोन स्किन भी कर सकती है? बिल्कुल, इनकी तो क्लियर स्किन है, बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा एक्नी हो वो भी ये कर सकते हैं, हर एक उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल जो पोर्स है उनके बिल्कुल ओपन अप हो जाएंगे, और सेकंड चीज जो अंदर पस पड़ा होता है, जो लड़कियां खुद पिक कर लेती फोड़ लेती हैं हाँ। दबा देती हैं, उसे खड्डे पड़ते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो उनका शुरू करते हैं जी जी, है ना? अच्छा जी देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, आपकी प्रॉपर क्लिंजिंग करेंगे, देखिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, रोज आना, बहुत सारे मर्द हजरात हैं, खवातीन भी है डॉक्टर साहब, जो कहते हैं हमने तो आज मेकअप ही नहीं किया, हम तो बाहर गए ही नहीं, तो क्लिंजिंग की फिर क्या जरूरत है, क्लिंजिंग तो रोज होनी चाहिए। बिल्कुल, अच्छा क्लिंजिंग को लोग पता नहीं समझते हैं, सैलून जाकर ही होगी, वो एक नॉर्मल सफाई है, आप कुछ भी नहीं आपके घर में, तो आप क्या करें, थोड़ा सा ऑरेंज जूस होता है, ठीक है, ऑरेंज जूस ठीक है, 1 से 2 टीस्पून आपने ऑरेंज जूस लिया, चुटकी इसमें डाली, फिट करी, बिल्कुल चुटकी एलम, ये नहीं कि बहुत भर के डाल, डॉक्टर साहब फ्रेश ऑरेंज जूस की बात कर रहे हैं ना, कैंड की तो बात नहीं, वो भी चल जाएगा, देखिए फ्रेश तो शायद हर वक्त ना मिल रहे ना, कैंड आउट ऑफ सीजन हो चुका है, कैंड होगा बिल्कुल वो ले लें, ठीक है, एक चमचा वो है, चुटकी उसके अंदर फिटकरी डालेंगे और पूरे चेहरे को अच्छी तरह से डैब करें, कॉटन से आपकी क्लिंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए ये सबसे पहले मैंने किया 3 चीजें इसके अंदर ऐड की, मैंने किया जी रोज वाटर, ठीक है, लेमन जूस और प्रिटी ग्लो जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल, ठीक है। अब ये देखिए उनका पूरा चेहरे बना, आंखें बंद रखिएगा, थोड़ा सा हल्की सी टिंगलिंग होगी, टिंगलिंग से मुराद जलन हल्की, हाँ, हल्की, 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 हल्की मामूली, हाँ ठीक है ठीक है,
अब पूरा चेहरा, ठीक है, फेस, नेक और आपकी नेप ऑफ द नेक, ये ठीक है, और कान भी, पूरा चेहरा ये नहीं है, ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके अंदर तीन चीजें इसमें ऐड करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा ये देखिए, मैं आपके सामने चमचे के बगैर, हाँ ये गिर जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखिए जो इसके अंदर ऐड होगा, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये पिट्स आपके फिल करेगा, ठीक है। ये तमाम चीजें, बेसन, चने का आटा, बार्ली, ठीक है, इसके अंदर पर्ल्स हैं, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, और ये देखिए मैं ऐड करूंगा क्रीम थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये आ गई। ये देखिए सेल्यूस्लिम जेल, ये क्या करता है, आपके पोर्स को एक लेवल में लाता है, या आपकी स्किन थोड़ी लूज हो रही है आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी बॉडी ठीक हो गई, मगर आपके आर्म्स थोड़े सैग कर जाते हैं, सब लोअर बेली होती है, लव हैंडल्स होते हैं, थाइज होती हैं, हंप होता है, ठीक है, तमाम चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ये नेक पे, हाथों पे, कहीं पे भी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, चेहरे पे, ये पूरे चेहरे पे कर सकते हैं, पूरे चेहरे पे, बॉडी हर जगह यूज, ठीक है, हर जगह जहां आपको लग रहा है थोड़ा फ्लैबी आपके हो रहे हैं आर्म्स, सब जगह कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर खुर्रम मुशी हमारे साथ मौजूद है और एक्नी से बचाव के लिए एक बड़ा जबरदस्त मास्क बना रहे हैं। हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आप लोगों के फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। हमें कॉल करके आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं स्किन, हेयर, नेल्स रिलेटेड, डॉक्टर खुर्रम यहाँ मौजूद हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। डॉक्टर साहब इस वक्त मास्क लगा रहे हैं जो कि एक एक्नी से बचाव का मास्क है, बिल्कुल, और उसके साथ अगर आपके पिट्स आ जाते हैं यानी खड्डे आ जाते हैं, वो 2-3 टोन की स्किन होती है तब, और थोड़ा उसके साथ साथ क्या होता है, डलनेस आती है, थोड़ा डार्क सर्कल्स आते हैं, सबको ये ठीक है क्लियर करें। और डॉक्टर साहब डार्क सर्कल्स के बारे में इतने अलग अलग से मिथ्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स की वजह आपको अगर कोई ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, आपको दमा का मर्ज है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो पड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं सोता नहीं तो मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर आपका स्टमक अपसेट है तो आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। बिल्कुल सही है, हो सकता है, बहुत सारी रीजन है। देखिए एक तो ये है कि इनहेरिटेड भी होता है, आपकी जीन्स में होता है कि आपकी फैमिली में होता है ना, वो नज़र आते हैं। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि डेफिनेटली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं, एस्थमेटिक हैं, साइनस का है, ठीक है। थर्ड, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, डेफिनेटली डेवलप होंगे। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट में तवाजुन नहीं है, ठीक है, प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, कार्ब्स ही कार्ब्स ले रहे हैं, ठीक है, या प्रोटीन कीटो डाइट पे है, ठीक है, वो भी ट्रेंड है ना, तो वो उससे भी हो सकता है, या आप बहुत आपके बाउल हैबिट सही नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप एक तो पानी पिया करें। डॉक्टर साहब जो लोग काफी ज्यादा तंबाकू नोशी करते जी, हैं जी, बिल्कुल, या जो कि आजकल आपको पता है शीशा जी, और जी, ये वो एक वो मशीन से धुआं निकालते हैं, उससे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जहाँ पे आपकी बॉडी में, हाँ वेप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ तो बहुत बढ़ के आएंगे ना। अच्छा देखिए ये मैंने कॉम्बिनेशन लगाया, ये आपको बड़ा नेचुरल है, बड़ा अच्छा, बड़ा हेल्दी सा आपकी स्किन को, देखिए नेचुरल चीज आएंगे, आप टेक लगा आप आराम, हाँ देखिए अब ये क्या करेगा, आपकी स्किन को बहुत टाइट करेगा, ठीक है, सेगिनेस थोड़ा आपकी, थोड़ा सा ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ठीक है, डबल चिन आ रही है, ये देखिए आपकी पूरी नेक। अब मैंने क्या किया कि जी इनको आराम से, बिल्कुल सिंपल, इसको अब मैं इसको अच्छी तरह एम्बेडेड करूंगा, यानी इसको जस्ट करूंगा उनकी बॉडी में ना। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जी बिल्कुल, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो जी नाजिया, हेलो 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 जी, सलाम अलैकुम नाजिया। हेलो, जी जी सवाल कीजिए, वो टीवी पे भी सुनेंगी फिर अपना अपनी आवाज सुनेंगे। एक्ने जो है हो गई है और
टीवी तो आपको बंद करना पड़ेगा ना नाजिया, टीवी के सामने आ गए हैं। जिस दिन से सैटेलाइट टीवी और ये लाइव कॉलिंग शुरू हुई है तब से अब तक हम लोग यही बोले जा रहे हैं कि प्लीज टीवी बंद कर दीजिए, लेकिन हमारी आवाम जो है उनको समझ नहीं आता। कॉलर ड्रॉप हो गई है, नाजिया है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, सही, ठीक है, बेहतरीन। देखिए सर, अब मैंने ये किया मशीन से एम्बेडेड, अब मैं क्या करूँगा कि देखिए ये उनके पूरी स्किन के अंदर ना हल्का सा एक जैसे जेंटल मसाज, पूरी स्किन उनकी बड़ी सपल सी और बहुत ही जैसे एक बिल्कुल जो छिलका टाइप फ्लफी हो जाती है वो बड़ी भरी भरी सी लगेगी, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि चीक्स बहुत आपके, हाँ, सपल लगेगी, सपल सी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक आपसे सवाल पूछूं जो बिल्कुल इस टॉपिक से हटकर, बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम लोग इतना ज्यादा अंग्रेजी जबान से सहारा लेने लगे, अगर आपको ये टारगेट दिया जाए कि आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उर्दू में गुफ्तगू करनी है तो क्या आप ये कर उर्दू में ही करता हूं? नहीं नहीं, मतलब हम कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं ना। देखिए वो तो, देखिए वो तो एब्जॉर्ब्ड हो गए ना उसके अंदर, जज हो गए। नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये टारगेट दे जी 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 कि आपने बिल्कुल भी इंग्लिश के किसी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना, देखिए वो अननेचुरल होगा, वो गैर कुदरती होगा, गैर कुदरती होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो सारी चीजें बड़े तवाजुन के साथ है उसमें ना। अच्छा, वो बहुत ज्यादा होना भी वो मेरे बहुत ही मतरूक टाइप हो जाएगा, क्या बात है ना, देखिए क्या बात है, ठीक है। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिल्कुल ही, और एक तो होता है कि मैं, पता है, बड़ा यकीन करें मैं बड़ा परेशान अक्सर होता हूँ एक ना, कि लोग आते हैं ना अंग्रेजी ना उर्दू, मैं कहता हूँ भाई मैं पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, ब्रिटेन में जाएंगे तो अंग्रेजी में बात कर लेंगे अंग्रेजों से, मतलब बड़ा, ये आप भी इस पर बहुत ट्राई करते हैं, एक ये बड़ा एक, लेकिन डॉक्टर साहब कभी आपने सोचा कोई और जबान सीखने का, क्योंकि आपका जो, नहीं, आपका जो काम है वो तो इतना ज्यादा दिल तो चाहता है। देखिए आपको कोई आनी चाहिए, जितना आप कहीं, जितनी आपका एक्सपोजर हो, जितनी जबानें हैं वो तो बहुत आपकी ब्लेसिंग होगी। कॉटन ले लो, ठीक है, बिल्कुल ड्राई। अब मैं देखिए उनको क्या करूंगा, रोज वाटर से ना इसको बिल्कुल, ये देखिए अभी आप सामने, और फिर मैं एक हल्का सा लेयर लगाऊंगा उनके फेस पे, हल्का सा मैं उनके फेस पे लगाऊंगा बीज वैक्स, जो कि है तो लिप बाम, ठीक है, मगर उनकी स्किन को बड़ा नरिश करेगा। अभी आप देखिए नेचुरली उनका कितना ग्लोइंग स्किन होगी। अच्छा, इससे क्या होगा, दो तीन दफा करने से उनके पिट्स जो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, खड्डे है ना, वो भरना शुरू होते हैं और आपकी स्किन एक यूनिटोन होती है, और जो खड्डे चेहरे पे पड़ गए वो मुस्तकिल भर जाएंगे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे, क्योंकि देखिए उसके लिए लोग क्या करते हैं कि जी डर्मा पेन बहुत करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी स्किन और हार्श हो जाती है, सख्त सख्त सी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी चीज भी खुरदरी हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है ना, वो कहते हैं लाइकनिफाइड, जिसको कहते हैं उर्दू में तर्जुमा है चमड़ा जैसा हो जाता है, हाँ, तो वो नहीं, आप नीडलिंग मत किया करें, आप बहुत, देखिए चेहरा जो होता है ना, देखिए हाथ की स्किन तो एक डिफरेंट है, ठीक है, मगर ये जो है ये बड़ा टेंडर लव इनके, जैसे बच्चे को आप उठाते हैं, हाँ, इसको बड़े नरमी से लोग इसको रगड़ के ट्राई करते हैं, जी जितना रगड़ेंगे जितनी चम्पी होगी, रगड़ेंगे तो अंदर से शायद कोई जिन निकल आएगा चेहरे के, सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये मैं लगा रहा हूँ इनके फेस पर एक तो हाफ एन आवर लगा रहेगा, घर में होंगी तो भी अच्छा, और अगर आपने कोई डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया तो आप लगा के घर जा सकती है। इसके अंदर क्या है, बीज वैक्स, ठीक है, और हनी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, शहद का एक्सट्रैक्ट है और शहद की मक्खियों का छत्ता जो होता है। अच्छा, ये बात हो सकता है लिप बाम लगाएं तो इसमें आपको कोई थोड़ी घास फूस सी एडेड हो, ठीक है, तो वो क्योंकि छत्ते की वो ब्यूटी होती है, वो नेचुरल होने की निशानी है, तो ये देखिए मैं इनको बड़ा जबरदस्त इनके लिप पे आप और लगा लीजिए एक लेयर, ठीक है, और ये लगा रहने दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए अब मैं उनके फेस पे, अब ये देखिए बस ठीक है, अब ये जो मैं लगाऊंगा इनके फेस पे तो ये इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलेजिन, जो हमारा कॉलेजिन, बाल बने कैरेटिन और चेहरा बना है कॉलेजिन का, और कॉलेजिन और कैरेटिन क्या है जी, प्रोटीन है, यानी लहमिया आते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहाँ से मिलता है, खाने में तो आपको मिलता ही है दालों से, चिकन से, गोश्त से, ठीक है, मगर जब तक आप स्किन को फूड नहीं देंगे, अब ये आपका कॉलेजिन इन्हांस करेगी, जब कॉलेजिन इन्हांस होगा तो आपके खड्डे भी तेजी से जाना शुरू होंगे और आपकी स्किन भी एक टोन में होगी। और अच्छा देखिए, ये बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, लोग कहते हैं जी मेरी स्किन वैसी ही बहुत ऑयली एक्ने आ रही है, तो वो सीबम है, वो सीबम है जो अंदर की चिकनाई है, अच्छा ये आपको नेचुरल आपको एक्सट्रैक्ट है कि आपकी स्किन को बड़ा अच्छा करेगा। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जब आपका चेहरा या आपकी बॉडी रियलाइज करती है कि चेहरा ड्राई हो रहा है तो वो खुद ही से ऑयल्स प्रोड्यूस करती है उसको
तर करने के लिए, इज इट ट्रू? नॉट रियली, नहीं बिल्कुल भी नहीं. देखिए वो तो बहुत, अगर आपकी ड्राइनेस है जैसे एक्जिमा में हो जाता है, जैसे सोराइसिस में होता है, या आपकी एक कंडीशन होती है जो बालों से रिलेटेड होती है, सेबरिक डर्माटाइटिस, जो सर की खुश्की फिर आपकी आईब्रोज में आती है, आपके आईलैशेस में डैंड्रफ जो होती है, तो खुश्की सिकरी से, वो तो उसमें बिल्कुल नहीं होता. सीखे सीबम तो आपकी आपकी नेचुरली होती है ना, किसी की बहुत ऑयली स्किन होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की बिल्कुल ड्राई रब. ठीक है, अच्छा ये अब आपके लगा रहेगा और हाफ एन आवर के बाद आप क्या करें, बल्कि मैं तो जो आपको करना है वो तो आप आमतौर पर करेंगे, मैं इसको यहाँ पर आपको वैसे ही रिमूव करके दिखा देता हूँ. ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको सिर्फ हम ये करके और बस मशीन से बैठ करके अभी एक पोर्शन करता हूँ. ठीक है, ठीक है, ये क्लेंजर के तौर पे भी बिल्कुल बिल्कुल, ये रोज वाटर था ना डॉक्टर साहब. विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जी जी तो उसका इफेक्ट होता है आपके चेहरे पे, स्किन? बिल्कुल होता है. एक तो सैगिंग बहुत जल्दी आती है, सैगिंग जल्दी आती है, और जो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग सारी तवज्जो देते हैं जी स्किन फ्रेश हो जाए, जी अगर सैगिंग हो रही है तो स्किन टाइट हो जाए. आपका जो बोनी स्ट्रक्चर जब वीक होता है, जब आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से, तो ही तो आपकी स्किन लटकी हुई लगती है. डॉक्टर साहब, जो विटामिन डी के बारे में भी इतने ज़्यादा लोगों के अजीब कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो सुबह की धूप में होता है 8 से 11, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कभी भी धूप में निकल जाओ, दोपहर को निकल जाओ, इतनी तेज धूप में विटामिन डी तो भर ही गया होगा जिस्म में, मतलब इसकी क्या रियलिटी है? देखिए बिल्कुल, अगर आप दोपहर 2 बजे जाएंगे, दोपहर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल है तो डेफिनेटली इसके अंदर, मगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप 5 मिनट भी काफ़ी हैं. और देखिए हमेशा अपनी बॉडी को सूरज लगाना चाहिए सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है, और शाम 4 बजे के बाद, ठीक है, 11, 12, 1, 2 अगर आपको काम करना है तो ये कोई इशू नहीं कि आप ना जाएं, ड्राइविंग ना करें, मगर धूप लगाने के लिए जो टाइम है सुबह 10 से पहले, ठीक है, और शाम 4 बजे के बाद जब माइल्ड हो जाए सूरज, तो आपको रेज भी सही मिलेंगी, आपकी बॉडी में भी विटामिन डी के सिंथेसिस होगी, और आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस खवातीन में और मर्दों में भी होता है, तो दोनों को वो बड़ा ठीक करेगा. ऑलराइट जी, अब ये हमारी जो मॉडल है वो बिल्कुल तैयार है, मैंने हाफ फेस किया है. अच्छा, अब आप इसको वॉश ऑफ करेंगी और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में इनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा जो आप यूज़ करते रहेंगे. देखिए बड़ा, प्लीज़ ज़रा उठ के बैठे, देखिए इनका हाफ फेस आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर किया है. डॉक्टर साहब बिल्कुल स्किन फ्रेश हो गई ना, सपल हो गई, सपल हो गई. हाँ जी. और डॉक्टर साहब मुझे लगता है जो हल्की सी जो आप टिंगलिंग कह रहे थे उससे बड़ा एक लाली सी आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे के ऊपर देखिए जो मैंने वो किया, क्योंकि जब आप देखिए मिर्चें खाते हैं या कोई इरिटेंट लगाते हैं तो आपका खून का दौरान वहाँ बढ़ता तेज हो जाता है, तो जब खून का दौरान पड़ेगा वही आपकी एजिंग खत्म करता है, वो आपकी स्किन को सही करेगा और आपकी बोन्स में भी खुराक पहुंचाएगा. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो. आप हमेशा में बड़ी जबरदस्त कोई चीज बता के जाते हैं, और आज डॉक्टर खुर्रम मुशी ने हमें सिखाया कि एक्नी से बचाव का मास्क कैसे तैयार किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी हमारी किचन क्वीन के साथ. डोंट गो एनीवेयर. चली जाओ, वही बात. ठीक है चली जाती, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसकी सजा दे. बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे. देखो रानी, ये बात सच है कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की और शायद अब भी करता हूँ. धोखा खाने वाले को बेवकूफ भी समझा जाए ना तो उसकी हसीयत में और इजाफा हो जाता है. जैन आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. छुपी है. खवती रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम हैं हमारी किचन क्वीन के साथ. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आज तो तुसी छा रहे हो. शेफ, इसकी एक वजह है. हाँ. इसकी वजह है इश्क पागल करे. ओहो, किसके इश्क ने आपको पागल करा? इश्क पागल करे TV1 का एक बहुत ही शानदार सीरियल है जो कि आज रात 8 बजे
आप हमारी स्क्रीन पे देखेंगे। आज मेरे ख्याल से इसकी 18वीं किस्त नशर की जाएगी रात को 8 बजे। इश्क पागल करे एक बहुत ही शानदार सीरियल है। इसकी मैं बता दूँ कहानी इस वक्त काफ़ी संगीन मरहले तक पहुँच गई है, जहाँ डॉक्टर जैन को शक के सांप ने बुरी तरह डस लिया है, उसकी बीवी रानिया उसके दोस्त राहिल के दरमियान अफेयर चल गया है और वो उस दिन को बार बार कोस रहा है जब उसने राहिल को अपने घर में जगह दी। रानिया की बेवफाई राहिल के एहसान फरामोशी ने जैन को नीम पागल कर दिया है, उसका ज़ेहनी सुकून बर्बाद हो गया है। रानिया के साथ शबुनीजा सॉरी खांसी आ रही है, पानी दूं आपको? खबर दिनों रात ये सीरियल आज रात को आप 8 बजे TV1 पे देखेंगे। इसका नाम है इश्क पागल करे। शेफ मुनीजा आज हम क्या बना रहे हैं? आज इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें शेफ मुनीजा, मैं चाहता हूँ कि आज ये ऑनरेबल चीज आप करें। थैंक यू। बताएं तो सही क्या हम कर रहे हैं? ये गीला कचरा है जिसको हम गीले कचरे के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे यानी कि फेंकेंगे, ठीक है? और गीला और सूखा कचरा हम अलग अलग। और खवातीन हजरात ये मैं आपको बात बताता चलूं, गीला कचरा हम लोग एक जगह पे क्यों फेंकते हैं ये बात प्लीज गौर से सुनिएगा। जितना भी किचन का कचरा होता है जिसके अंदर सब्जियां सब्जियों के वो वाले हिस्से होते हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं करते, टी बैग्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पुराना रोटी होती है जो कि आप कभी कभी लोग फेंक देते हैं, फेंकनी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ बर्ड्स को डाल दें, बट ये जो जितना भी पुराना कचरा होता है गीला कचरा इसको एक जगह जमा करें, इसको मिट्टी के एक मटके में डालें और उसके बाद थोड़ी सी घर के अंदर कोई सी भी अगर आपके पास मिट्टी हो वो डालें और इसके ऊपर आप फॉइल पेपर लगा के रख दें। ये बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है जो कि आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, अपने घर के गार्डन में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेफ मुनीजा हम क्या पका रहे हैं आज? देखें आप अपने कान बंद कर लें और आज जो बन रहा है यकीनन उस पर आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ होगा, वही घरेलू आदमियों की तरह जो हमारे घरों पे आदमियों को होता है उसी तरह इनको यहाँ पे एतराज़ होगा। किस बात पे? लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही लाइट, गर्मियों के हिसाब से मैं कहती हूँ बहुत मज़ेदार और थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली खिचड़ी और साथ ही साथ उसके बनेगी नमक वाली लस्सी। देखा मुझे पता था इनका फेस रिएक्शन दिखाएं प्लीज। क्या वक्त था क्या जब यहाँ पे तवा कीमा तवा चिकन मुर्गे मुसल्लम की यहाँ लाइनें लगी होती थी, रोजाना रोटियां आ रही हैं, कभी नहारी बन रही है, पराठे आ रहे हैं, चिकन डाली जा रही है ऑमलेट्स के अंदर और अब एक वक्त आ गया है रोजाना। शेफ मुनीजा ये क्या चल रहा है? आपको किसने पैसे दिए मेरी मॉर्निंग के साथ ये करने के? बताएं। देखिए पैसे तो किसी ने नहीं दिए, मैं आपकी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। आप जो इतने ग्लो कर रहे हैं ना, अब आपको समझ आए जो पिछले हफ्ते आपने पूरी सब्जियाँ खाई हैं ये उसका ग्लो निकल के आ रहा है आज आपके सही फेस पे। बाकी हाँ इनको पता नहीं, मुझे यकीन कभी कभी आपकी बात पे दिल चाहता है कि यकीन कर लो, कर लें आप बस आज कर लें, ठीक है आज कर लें। तो हम बना रहे हैं आज मसाले वाली खिचड़ी। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पाव दाल यानी कि मूंग की येलो वाली जो दाल होती है वो वॉश करी और साथ में चावल ले लिए, एक पाव वो ले लिए और एक आलू ले लिया, उसको हमने क्यूब्स कट कर लिया और उसको हमने यहाँ पे पानी के साथ बॉईल कर लिया। इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ जब ये बॉयल हो गया, ये देखिए डन हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक शामिल करा। अब जो है हम इसका मसाला तैयार करेंगे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा बहुत क्विक भी बन जाती है, बहुत मज़े की भी बनती है और जो आजकल का गर्मी का मौसम है मेरे ख्याल से उसमें लाइट ग़िज़ा रखनी ही बेहतर होती है ना, क्योंकि हम लोग बहुत हैवी खा लेते हैं उसके बाद हम निढाल हो रहे होते हैं, अजीब सी तबीयतें हो रही होती हैं, तो बेहतर है कि अपने खाने को थोड़ा सा अपने खाने पर अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी हाँ तो इसके अंदर हम जो है वो जीरा डाल रहे हैं, ठीक है? इसको ढक दूं क्या? हाँ हाँ ढक दें, वो हल्के हल्के स्लो उस पर पक रही है, जब तक ये हम तैयार कर लेंगे तो फिर हम उसको हटा के। खिचड़ी तो बच्चों को खिलाई जाती है, छोटा बच्चा समझ रहे हैं? हाँ आप भी तो अभी बच्चे ही हैं ना। हाँ ये बात तो है ना, वैसे भी आपकी बर्थडे भी है मैंने सुना है आने वाली है। मेरी बर्थडे? आप कितने साल के हो जाएंगे? प्लीज शबनीजा सर की फजूल बातें मत करें। ओहो ये क्या बात है, कितने साल के हो जाएंगे? व्हाट डू यू मीन आई विल टर्न अराउंड 26? अल्लाह माफ करे, क्या मतलब है आपको 45 का? इंशाल्लाह होऊंगा जरूर, लेकिन अभी उसमें वक्त है। एक तो आप चाहती है कि मैं आपकी एज का हो जाऊँ शेफ मुनीसा, ये कितनी बुरी बात है। अगर मैं अच्छा फिर कितने साल के? चलो 45 के नहीं है तो कितने साल? क्या मसला है? 45 के नहीं है तो फिर कितने साल के? चलिए बताएं किसी क्या 45 के नहीं है तो कितने साल के हैं आप? 26 आई जस्ट टोल्ड यू 26 अभी तो बताएं 26 साल अभी तो मैं जवान हूं। हां अभी तो मैं 5-6 साल तक रहूंगा 26 का। हां ये मेरी प्लानिंग है वो हमारी एक्ट्रेसेस की तरह। हां नहीं नहीं एक्ट्रेसेस खाली एक्ट्रेसेस क्यों भाई,
मैं आप सबको कह रहा हूँ जो उमर आपको पसंद है वो बताया करें। देखिए आस्थर ने उन एक्ट्रेसेस को जो है ना वो ट्रिब्यूट पेश किया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो एज पसंद है वो बताए। ये फजूल के ट्रैप्स है। हाँ। हमें मेंटली ट्रैप किया जाता है। तुम्हारी एज क्या है? एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ तो ये आप नंबर मुझसे क्यों मांग रही हैं? आप एज इज जस्ट अगर नंबर है तो शायद मुनीसा ये मैं सब समझ रहा हूँ बातें। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं। मैं आपको समझाना ही चाहती हूँ, है ना। Yes. वैसे आज आप एक गुलदस्ते से नुमा से बने हुए हैं, फ्लावर्स। अच्छा लग रहा है। मैं पत्ता बन के आई हूँ आपके साथ। कितनी अच्छी बात की, कितनी सही बात कह रही है। तो हम दोनों मिलके एक गुलदस्ता है हमारे किचन के सेगमेंट गार्डन है, है? गार्डन बिल्कुल। ओके ओके, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा हमने जो है वो जीरा इसका जैसे ही वो हुआ हमने इसके अंदर प्याज, एक प्याज का स्लाइस करके हमने शामिल कर दिया। इसके अंदर सब्जियां भी हम ऐड कर रहे हैं जो कि है फूल गोभी, साथ में है गाजर, हमारे पास है मटर, ठीक है, और इसके अंदर हम टमाटर भी शामिल करेंगे। तो बड़ी मज़े की और थोड़ी डिफरेंट सी बनती है, और मैं कहती हूँ कंप्लीट मील है। हम लोग जो है कहते हैं कि खिचड़ी बिल्कुल एक देखिए दाल जा रही है इसमें, चावल जा रहा है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स। खुदा के लिए लस्सी आप नमकीन मत बनाएं। फिर कौन सी बनाएं? मीठी मीठी बनाएं। फिर आप उसके बाद सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, एक तो आपको मेरी लाइफस्टाइल से क्या मसला है, मैं सो या जागूं? आप मुझे तो भाई मॉर्निंग स्टार का शो कौन करेगा? नहीं तो वो खत्म एंड की तरफ होंगे ना तब तक। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। लेकिन लस्सी पी के नींद क्यों आती है शकुनी सा? ये कितनी अजीब सी बात है। हाँ है तो, लेकिन जो मीठी लस्सी से होता है नमकीन, नमक वाली लस्सी से जो है ना आप चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि नमक जो है वो आप जैसे पसीना कितना आता है हमें गर्मी के मौसम में, नमकियात पूरी होती है उससे। और मैं तो रमज़ान में इफ्तार में भी नमक वाली लस्सी जो है वो लेती थी, बड़ी एनर्जी मिलती है उससे और बहुत अच्छी रहती है। उन शरबतों से तो अच्छी ही है, वो चीनी वाले, है ना जी। और मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा जो जिसमें आप चीनियाँ डाल के और पी रहे हो। तो मैंने कभी नहीं डाली, लेकिन वो शरबत होते ही मीठे हैं जो रमजान में आप पीते हैं। हाँ, बट आई थिंक वो उनके बगैर रमजान अधूरा है। बस जयपुरी से उनके बगैर रमजान अधूरा होता है, ये मान लें। लेकिन लोग उसमें भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है ना, होता है ना। अच्छा हमने इसके अंदर लहसुन शामिल करा है, और अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल करूंगी। मैंने दो टमाटर ले लिए, इनको बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और हमारे तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आ जाते हैं, मैं इसके अंदर लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका जाएगा। अच्छा आपने ये ख्याल रखना कि हमने इसमें अगर आपने नमक ऐड करा है तो इसमें आपने ध्यान से ऐड करना है। देगी लाल मिर्च, जी हाँ, कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 1 टीस्पून, और साथ ही साथ हम इसमें जो है वो कुछ जो है वो हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। वेरी नाइस, ठीक है, ये तो चटपटी सी बनी। यस, बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत डिफरेंट बनती है, ठीक है। और शबरी से ये फैटनिंग तो नहीं होगी? नहीं देखिए आप तो डिपेंड करते हैं, आप ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कम ऑयल के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हमने थोड़ा सा कम ही ऑयल लिया, आप देख सकते हैं इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है। okay. तो ये अच्छी रहती है, लाइट रहती है ये भी। और कवती रोजाद हम लोग बना रहे हैं इस वक्त बड़ी मज़ेदार मसाले वाली खिचड़ी, और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मसाले वाली खिचड़ी को मुकम्मल करेंगे, और उसके साथ साथ बनाएंगे नमक वाली लस्सी जिसमें मैं चीनी मिलाऊंगा। ओके, वो एक अलग प्रोसेस होगा। यस, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के मजे का वॉचिंग। मॉर्निंग स्टार मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अवती नौजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मसाले वाली खिचड़ी तैयार हो रही है हमारे किचन में। शेफ मुनीसा, इतना मसाला है कि सब खांस रहे हैं। फ्लेवर भी तो बाद में आता है ना, अब जबान का चटखारा भी तो चाहिए ना आप लोगों। एक तो आपको बातें बनाना अब आ गई है, अब आपको मैं हरा नहीं सकता, ये चीज़ हो गया है। शेफ मुनीसा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। खवातीन हज़रात, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक में, जिनका नाम है नताशा बेग। उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज में, उनके साथ उनके भाई समीर बेग भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम नताशा, अस्सलाम समीर, वेलकम टू द शो, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, हम ठीक ठाक, आप कैसे? सॉरी बहुत तेज मसाला हो रहा है, इट्स ओके, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत घर वाली फीलिंग आ रही है, माहौल है। अभी थोड़ी देर में आपको खिचड़ी खिलाएंगे मसाले वाली। अच्छा सबसे पहले तो ये नताशा, आपका ताल्लुक क्रिकेट से था पहले?
वहां से स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट से म्यूजिक तक का सफर कैसे शुरू? Well, in my life, nothing was planned. So even cricket was not planned and music was also not planned. तो बस वो बोलते हैं ना कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस में आप बचपन से आ रहे हो, तो आपको पता नहीं होता आप क्या हो. तो पहले मैं स्पोर्ट्स में बहुत थी, उसी स्पोर्ट्स के थ्रू मैं क्रिकेट ट्रायल्स तक पहुंच गई, क्रिकेट ट्रायल्स से मैं अंडर 19 पहुंच गई, नेशनल तक का ख्वाब था, लेकिन फिर पता नहीं फिर मैं वापस बैक ऑफ हो गई और फिर मैं म्यूजिक में आ गई. एक्सेलेंट. और म्यूजिक में भी क्या शानदार क्या शानदार एंट्री हुई. अच्छा समीर, जब आपको पता चला कि क्रिकेट छोड़ के नताशा म्यूजिक करना चाहती है, आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन लाइक इतना सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन ये कि नहीं था. हाँ, क्योंकि नताशा ऐसी नहीं है, मुझे इसके थोड़ी एटीट्यूड का इस तरीके के अनप्रेडिक्टेबल, शी इज अनप्रेडिक्टेबल, तो अंदाजा है कि कुछ भी हो सकता है. कुछ भी. अच्छा कल को नताशा आपको ये बताया कि सुनो मैं तो एक फिल्म में हीरोइन आ रही हूँ, तो आप सरप्राइज नहीं होंगे? नहीं नहीं, हाँ ये कर सकती, ये हो जाएगी, ये हो सकता है. नताशा, जब आप म्यूजिक स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स नेचुरली आपका अच्छा गाने के लिए अच्छा सुनने वाला होना बड़ा जरूरी. बिल्कुल. ये मैं हमेशा अपने बैंड से भी बातें कर रहा होता हूँ कि कोई भी धुन कभी बजा रहे होते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हम ख्याल अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल जाए जिनका म्यूजिक का टेस्ट आपको सिमिलर हो. लोगों के रिलेशनशिप्स इसी तरह आगे बढ़ते हैं जब म्यूजिक टेस्ट लोगों के सेम होता है, दोस्तियां भी इसी तरह बढ़ती हैं. मेरी मुंह की बात ही नहीं, मुझे लगता है मैं किसी दुश्मन से मेरी दोस्ती हो सकती. हाँ, है वो म्यूजिक अगर उसका मेरा म्यूजिक सेम हो. True that, it happens. किसके म्यूजिक सुन सुन के बड़ी हुई है? Well, I would say मेरी लाइफ में जो मेरे म्यूजिक करियर में आने की वजह जो इन्फ्लुएंस बने वो माइकल जैक्सन. एक्सलेंट. सो उनका म्यूजिक तो मैंने इतना सुना और उनकी स्टेज प्रेजेंस को देखकर बस मुझे हुआ कि माइकल जैक्सन गाना गाएंगे हम आज. Really? Do you remember the time? I love that song. We fell in love, you were young and innocent. क्या क्या जबरदस्त. वैसे माइकल जैक्सन क्या म्यूजिक वीडियोस होती थी, एक्सेलेंट, क्या गाने होते थे, एक्सेलेंट, एवरीथिंग वाज लाइक 100%. अच्छा समीर, आप मुझे बताएं आपको म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है? मेरा तो काफी शुरू मतलब, से मतलब शुरू से ही रहा है. लाइक बचपन से ही, बचपन में बड़ा मुझे ड्रमिंग वगैरह का शौक था, तो वही ड्रम्स खरीद नहीं सकते थे क्योंकि इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है वो. तो जब गिटार आया तो गिटार सीखना स्टार्ट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिस्कवर की और फिर जस्ट गॉट इनटू इट. लेकिन एक मैं बड़ा आपसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछूंगा कि देखिए, जब ऑफकोर्स हर घराने में ऐसा होता है कि जब एक बेटा और एक बेटी होता है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो बेटी हमेशा ज़्यादातर एक मेहंदी लगाना सीख लेती है, या अम्मी मुझे कबाब बनाना आ गए, अम्मी मुझे गोल रोटी आ गई, और लड़के के पास गिटार होगा, बाइक होगी और इस तरह का ये सब काम हो रहा होगा. जब वालदेन को ये पता चला कि भाई ये तो म्यूजिक में जाने वाले हैं, जब तुम्हारा पता चला समीर अभी नताशा की तरफ नहीं आ रहा, क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? उनका यही था कि चलो इफ़ यू आर डूइंग म्यूजिक तो सपोर्ट करो फिर अपनी बहन को, और अपनी बहन के साथ अच्छे से मतलब काम करो, ये नहीं कि आगे पीछे तुम टाइम वेस्ट करो, अगर करना ही है तो फिर सीरियसली करो इसको ऐसे हॉबी की तरह. इनिशियली वालदेन मान गए थे कि अच्छा ठीक है इसको, मतलब अम्मा वाज लाइक के व्हाई नॉट. अम्मा क्योंकि शुरू से मदर वो सपोर्ट है, नॉट आवर फादर. फादर तो एक बहुत बड़ा बम फटा था और वो बम पहले मैंने फोड़ा था. ये मेरे बाद म्यूजिक में, ये मेरे बाद आया, मतलब ही टुक द लेगेसी. ठीक है. तो मुझे तो हाँ, आई एम द ब्लैक शीप, आई स्टार्टेड इट, एंड देन उसके बाद जो है मैंने तो सजा मतलब गालियाँ खाई, मेरे साथ साथ इसने भी खा ली. वो तो वैसे ही नहीं सुन रही. लेकिन नताशा प्लीज मुझे, मैं ये सुनना चाहता हूँ ये कहानी, क्योंकि इतनी सारी लड़के लड़कियाँ हमारा शो देखते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से हम लोग ना rather than just telling a story, yeah. हम एक inspirational figure के तौर पे उनको सामने आते, even for the parents, yes. वालदेन भी अगर देख रहे हो तो वालदेन को भी एहसास होता है कि हाँ यार जब ये कर सकती तो हमारी बच्ची क्यों नहीं कर सकती. मुझे एक बात बताओ कि एक वक्त आता है कि आप पहले अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने म्यूजिक बनाना है, ये करना है, उसके बाद आप अपने दिमाग में सोचते रहते हैं अब्बा को अब कैसे बताऊँ, अच्छा चलो चाय बना के बताती हूँ, अच्छा चलो पहले सर दबा के बताती हूँ, कैसे, हाउ डिड यू ब्रेक इट? ये तो आपने वही सारी बातें मुझे बताई जिससे मैं गुजर चुकी हूँ. इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन वो वक्त मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन इसलिए भी था कि मैं नॉर्दर्न एरिया से हूँ, तो वहाँ से कोई लड़की का इस तरह से मेन स्ट्रीम पे आना इज़ अ नो नो. तो व्हेन जब मुझे हुआ कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो मेरे अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और जो फेस करने की जो पावर आई थी, इसलिए आई थी कि मुझे लगता था कि फॉर अ रीज़न म्यूजिक मेरे अंदर आया है. ये ऐसे ही नहीं था कि बस म्यूजिशियन बन गए मैं, क्योंकि मैंने कहा कि इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज काइंड ऑफ अ गॉड्स प्लान. तो मैंने बोला अगर इसको मैंने एम्ब्रेस नहीं किया तो मैं सबसे बड़ी नाशुक्री हूँ. अच्छा तो बताया बगो तो क्या रिएक्शन था? वेरी बैड. वेरी, इट वॉज अगली, इट वॉज नॉट समथिंग के चिलिंग वाला सीन था, मतलब ऑलमोस्ट घर में लड़ाई हो गई थी एंड अगली फाइट.
अम्मी वॉज ऑलवेज इन द फेवर, लेकिन यू नो हमारे सो हमारे मुआशरे में अम्मियों की से थोड़ी सी, तो वो जब थोड़ी सी नहीं काफी, या तो यही वाला सीन है कि बट ये कि उस वक्त तो अब्बा लॉस्ट हिज माइंड बिल्कुल ही, कि नहीं ये हो ही नहीं सकता. एंड आई वाज काइंड ऑफ लाइक बेगिंग के यू नो इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन कम विद मी बी एवरीवेयर विद मी बट एटलीस्ट लेट मी डू इट. इट वाज अ नो नो. तो वो दुबई में होते थे तो समझे कि मैंने कुछ, जब वो दुबई से आते जाते रहते तो जब वो दुबई में होते तो मैं वहाँ से स्नीक करके म्यूज़िक करती थी मतलब कराची में, तभी मेरी अम्मी ने मुझे ये करने दिया और जिसकी वजह से मैं आगे आगे बढ़ी. ही डिडंट लाइक इट बट आई डिड इट एनीवेज. लेकिन खवातीन के साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से दोस्ती करें ताकि उनका जो जज्बा है, उनकी जो सोच है, उनके ख्वाब है, वो आप समझ सकें. हम लोग अपनी सोच में रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरी जनरेशन है, वो एक दूसरी सोच के मालिक है. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शाम, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद हम आएंगे नताशा के एक धुआंधार गाने से. वेरी नाइस खवातीन हजरात, वेलकम बैक टू द मॉर्निंग स्टार. हमारे साथ मौजूद है नताशा बेग और समीर बेग. नताशा ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया है, इसका नाम है जरिया. नताशा इज द फर्स्ट ओनली सोल फीमेल सूफी रॉक सिंगर ऑफ द कंट्री, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है. नताशा सो प्राउड ऑफ यू. उसके साथ साथ एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनका एल्बम आपने प्रोड्यूस किया. कभी ऐसे क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं बहन भाई में? मुझे लगता है कि काम में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. मैं इसी बात को मानता हूँ. और ये गलती हमने दो बार की है, पहले एल्बम जरिया में और अब खेरत, दूसरी एल्बम खेरत में भी हमने. और क्या अभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से? कॉम्पोजिशन, देखो कॉम्पोजिशन पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, लिरिक्स पे आता है, रेंज पे वो जाता है. मतलब इट डिपेंड्स, क्योंकि ये एक अपनी तरीके से सोच रहा है, मैं एक अपनी, मेरा एक अलग विजन है, इसका अलग विजन है, तो वो विजन्स क्लैश कर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हमें या शायद लग रहा होता है हम एक दूसरे की डोमेन में घुस रहे हैं, तो शायद इस तरह की छोटी मोटी सेंस. और फिर भाई बहन है ना, तो फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं दूसरे को. तो ये प्रॉब्लम किससे का जाना है? एग्जैक्टली है ना, तुम सोचो कि अरे इससे का जाना है. यही होता है. लेकिन मुझे एक बात ही बताओ, कब देखो जिस तरह हम लोग क्रिएटिव लोग हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए. She is open to work with other composers. Yeah, yeah. तुम कभी mind नहीं करोगे और तुम भी mind नहीं करोगी अगर? No, no. अगर ये कभी, अगर कभी ऐसा. I want him to explore. मतलब सिर्फ मेरे से ही ना फंसा रहा है ना, मतलब he should work with everyone. Everybody. Yeah. अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि नताशा ने कुछ गाया और बहुत मेहनत से बहुत अच्छा और तुम्हें कहो नहीं यार मजा नहीं आया, ये कभी डर जाते हो कभी ये तो मारना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मारना वाला नहीं, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभार कुछ गाने होते हैं जो मैं सोचता हूँ यार मतलब और बेहतर तरीके से नताशा की आवाज़ यूटिलाइज हो सकती थी, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी जो मैं सुनता हूँ कि यार मैं बोलता हूँ वाह क्या बात है, मतलब इससे बेहतर तरीका मैंने नहीं देखा इस गाने. अच्छा नताशा, वेरी क्विकली मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या रीज़न था कि तुम्हारे पेरेंट्स जो थे, तुम्हारे वालिद साहब खास तौर पर, वो नहीं चाहते थे कि तुम म्यूजिशियन बनो? वही बात है जो हमारे टिपिकल मुआशरे में जो होती है कि लड़कियों को अक्सर बहुत कामों से रोका जाता है कि शादी. शादी कैसे होगी? लड़कियों के साथ लड़की पैदा होती है और शादी का टैग लेके पैदा हो जाती है, तो आई थिंक इसी वजह से जो है ना बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब मतलब पूरे नहीं होते. हालांकि मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर आपने शादी, देखिए शादी तो इवेंचुअली हर किसी की होनी है, सिर्फ लड़की की तो नहीं होती, लड़के की भी होती है. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें चाहिए कि हम लड़कियों को इतना खुद मुख्तार बना दें कि वो कल को अगर शादी करके खुदा ना खास्ता इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग अ गुड लाइफ एंड शी इज़ फेसिंग क्राइसिस इश्यूज, तो वो अपने लिए फैसले ले सके और अपने अपना ग्राउंड स्टैंड कर सके. आज भी मैं देखती हूँ कि हम लोग जो है बहुत सारी लड़कियों को मजबूर देख रहे होते हैं. मैं बहुत सारे ग्रुप्स में चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, काफ़ी जगह मैं भी ये पढ़ रहा होता हूँ कि वो कहते हैं कि हम शादी निभा रहे हैं. निभाना क्यों? आपको हर रिश्ता जीना चाहिए, बखुशी जीना चाहिए. कितनी अच्छी बात की हमें अपनी बेटियों को खुद मुख्तार करके उनकी शादियां करानी चाहिए, उनको पढ़ा लिखा के डिग्री के बाद, ताकि खुदा ना खाता अगर अच्छी ज़िंदगी शादी के बाद नहीं मिल रही हो तो वो अपना फैसला खुद कर सके. शेफ मुनीजा क्या चल रहा है वहाँ पे? आधी लस्सी तो गायब हो चुकी है, आधी खिचड़ी नज़र मुझे नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? देखिए
नमक वाली लस्सी मेरी बहुत फेवरेट है और जब होती है तो वो हाथ रुकता नहीं है। नमक वाली लस्सी मेरी फेवरेट है, खिचड़ी मेरी फेवरेट है, खट्टे आलू मेरे फेवरेट है, दाल मेरी फेवरेट है, भाई क्या फेवरेट, इन शॉर्ट सारा खाना मेरा फेवरेट अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चिकन हमारी फेवरेट है वो नहीं बनेगी। हाँ, वो नहीं बन रही। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। आपको बहुत ख्याल रखती हूँ मैं। अच्छा, रेसिपी हम बता देते हैं हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पाव दाल, एक पाव चावल, मूंग की येलो वाली दाल, इनको हमने सोक कर दिया था। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया। बॉइलिंग के दौरान हमने एक आलू क्यूब्स करके वो भी ऐड कर दिया था और इसके अंदर पानी शामिल करा और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़े खड़े खड़े चावल रखना चाहते हैं या मेरी तरह बिल्कुल सॉफ्ट इसको करके और खाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल करा, उसके अंदर एक स्लाइस की हुई प्याज शामिल करी, दो टमाटर शामिल करे, इन सबको मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये सब शामिल करके मसाला तैयार करा, उसको भूना अच्छी तरीके से। उसके अंदर मैंने तकरीबन 100 ग्राम जितने मटर, एक गाजर उसके क्यूब्स कर लिए थे वो शामिल करे, साथ जो है मैंने बंद गोभी जो 100 से 200 ग्राम की वो ले ली वो शामिल करी। इन सबको थोड़ा कुक करा, कवर करके थोड़ा पानी ऐड करके ताकि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल करा, उसकी खुशबू इसमें आ जाए। और फिर ये तमाम मसाला जब ये रेडी हो गया, भुन गया, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने इसको जो चावल, आलू और दाल बॉयल की थी उसमें शामिल करा और इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर लेमन जूस, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करा, हरा धनिया स्प्रिंकल करा और हमारी जो वो मसालेदार खिचड़ी थी वो रेडी हो गई। लास्ट में इसको मैंने मक्खन से गार्निश करा। नमक वाली लस्सी के लिए बता दूँ कि मैंने नमक, काला नमक, दही और पानी को ब्लेंड कर लिया और साथ आइस ऐड करके इसको सर्व कर दिया। बेहतरीन, ज़बरदस्त जबरीजा, एक्सलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, थैंक यू सो मच। नताशा, वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, वी विश यू अ ग्रेट करियर अहेड। खवातीन और हज़रात, आप लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पे नताशा का इंस्टाग्राम फॉलो करना है जो कि है नताशा बेग ऑफिशियल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नताशा, वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।